इन दिनों जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार पर्युषण महापर्व चल रहा है। ये पर्व भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। इस खास अवसर पर राजस्थान के बाड़मेर में कल्याणपुरा पार्श्वनाथ मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थकरों की मूर्ति को असली डायमंड से सजाया गया है। गुजरात से आए स्किल्ड कामगारों ने दिन रात मेहनत कर इस दिव्य आंगी को तैयार किया है। इस आंगी की लागत की शुरुआत 25,000 रुपए से हुई है, लेकिन इसमें जड़े डायमंड्स अपनी कीमत खुद बयां कर रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय के श्री कल्याणपुरा पार्श्वनाथ मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष चंपा लाल मेहता ने इस बारे में कुछ खास बातें बताई। आइए हम आपको सुनाते हैं। कपड़े से, रुई से, मेवे से, सूखे मेवे से, किसी तरह की जा सकती है। आप जैसे डायमंड की यहाँ अलग अलग, हर मंदिर में अलग अलग बनती है, कभी किसी की कभी किसी की, बहुत देखने जैसे होती है। बहुत मेहनत, यहाँ गुजरात से आए हुए हैं पुजारी, वो करते हैं। यहाँ की बच्चियाँ जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, दिन भर मेहनत करके चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे लगा के जब आगे तैयार होती है। दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करते हैं, कई लोग पूजा करते हैं भगवान जी की, और शाम को आरती होती है, सुबह भी आरती होती है, उसमें बढ़ चढ़ कर लोग ऐसा रहते हैं। आखिरी सवाल, अमूमन जो होता है भगवान की मूर्त हमेशा प्यारी लगती है, मांगी के बाद और कितनी और सुंदर लगती है, सर देखने लायक होती है, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान सामने से हमको बुला रहे हैं, इतनी बढ़िया मूर्त लगती है। मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और अन्य तीर्थकरों की मूर्तियों पर असली डायमंड्स की आंगी सजी है। इस पवित्र पर्व पर मंदिर में सुबह से वाक्षेप पूजा, पक्षाल और केसर पूजा के साथ साथ खास आंगी की सजावट भी की जा रही है। लोगों की भारी भीड़ हर रात यहां देखने को मिल रही है। पर्युषण के इस पर्व पर भगवान के लिए आंगी सजाना किसी दिव्य पूजा से कम नहीं। जैनों का पर्वाधिराज पर्व सबसे बड़ा पर्व ये है, और सबसे बड़ा पर्व पर्युषण है, उसमें संवत्सरी का पर्व जो है विशेष कर से क्षमा याचना का पर्व है। तो हम नहीं गुनाह किया है तो भी क्षमा मांगते हैं, और जो हमसे क्षमा मांगते हैं उनको क्षमा करने का पर्व है। ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है। इन दिनों पूरा मंदिर में रेलम पेल लगी रहती है। बिल्कुल, सुबह से 6 बजे लेके रात को 10-10:30 बजे तक चलती रहती है। पर्युषण पर आज की हमारी ये खास वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।